दरवाजा खोलिए, हमको ऐसा बंद करके क्या कर रहे हो आप बाहर? रुको जरा शर्मिला, सब कुछ पता चल जाएगा। केकड़े दरवाजा खोल। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे विशाखा के पास जाना है। श्रेया के पापा दरवाजा खोलिए जल्दी। ओ वहां पे ससुर जी क्या कर रहे होगे ये? क्या पता क्या कर रहा है, लॉक करने की क्या जरूरत है हमें? देखो बेटा वहां बाहर ऐसा, माँ अंदर ऐसी, दोनों माँ बेटे बेशरम है। कुछ बोला क्या आपने? आप बेशरम हो। मैनरलेस? मैं नहीं बोल रही, ससुर जी बोल रहे थे अभी। अरे क्या बेशर्मी की मैंने? ये जो आप कर रही थी ना, गाना सुनने में काहे की बेशर्मी? आप भी तो रेडियो पे गाने सुनते हो। ये सब बातें छोड़ो और बाहर अपना बेटा क्या कर रहा है उसके बारे में सोचो। कुछ काम कर रहा होगा। हाँ तो अपना काम करती, हम सबको रूम में बंद करके हमारे काम क्यों बंद कर दिए? दूध उबालने के लिए रखना है मुझे, दूध फट जाएगा नहीं तो। नहीं वहां पे नहीं, थोड़ा सा इधर उधर लगा दीजिए। कुछ आवाज भी आ रहा है मम्मी लोगों का बाहर। हाँ अरे आवाज आ रहे हैं। मुझे तो जरूर डाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो लगता है पूरी डाल ही काली है। कोई पापा अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी तो नहीं करने बैठ गए? ये नालायक! देखिए मेरा बेटा बिल्कुल पार्टी शार्टी नहीं करता, अगर उसको करनी हो तो रात को करता है, कभी कभी ही करता है रात को। अभी तो बंद ही कर दिया है, नहीं करता। ए सुन, क्या पापा को बोल मुझे सुसु आई है। पर मुझे नहीं आए। बोल ना, बोलने को कह जाता है ना लायक। पापा खोलो जल्दी, मुझे बाथरूम को आई। करो वही नौटंकी, इसकी सब पता है मुझे, कुछ नहीं आया, बाहर आना इनको। क्या करें अब? प्रवीण अपने पापा से डरता है, यानी आपसे। मैं एक काम करती हूँ। प्रवीण, ए प्रवीण, तेरे पापा को आई। करो वही। क्या करे? सुन भाई साइड, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अपने बाप को तो ऐसा बोलता है, दरवाजा खोल। अजय, तेरी पापा स्टैचू। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। अभी कोई आंखें नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। क्यों आंखें बंद? हाँ, शायद उसको कोई सरप्राइज देना है। आंखें बंद करो, सरप्राइज देना उसको, सरप्राइज। आंखों में सरप्राइज? कर दिए बंद। हाँ आंखें बंद कर, एक करो बंद, चलो आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ, एक सरप्राइज है, सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। श्रेया आ जाओ धीरे धीरे सब आ जाओ, हॉल में आ जाओ। हाँ आंखें बंद करके क्या जाहिर करना चाहता है पता नहीं। पापा संभल के। मेरी क्या चार आंखें है? इधर से दो। सॉरी सच माँ, आराम से। हाँ अरे बाप रे, बिगड़ी रहा ये वाला हॉल का, सीधा सीधा हॉल है। माँ उधर नहीं, माँ मैं ब्रांडेड मर्मोट मोम बेटा। शुरा के दादे, आगे सीढ़िया। माँ गिर जाते ना बुड्ढे। ये बाहर का दरवाजा है माँ, मैंने हॉल का कहा था। कुछ भी बोलती है, आंखें बंद। सॉरी पता नहीं कहाँ गए। क्या चल रहा है, कोई गेम खेल रहे हो क्या आप? दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। ओह नो। आ जाओ मां, धीरे धीरे इधर ही रुको। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंखें बंद, मैं चली गई ना नीचे। क्या है समझ में नहीं आ रहा। अभी अपनी अपनी आंखें खोलो। कैसा है माँ? बहुत अच्छे है बेटा, ये तो काफी रॉयल रूम है, अब लग रही हूँ ना मैं इस घर की रानी। अच्छा है बैठिए ना। पापा गलत मत समझना, ये कवर की आवाज है। शर्मिला तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या बात कर रहे हो? आ जाओ मेरे साथ। आंखें बंद। हाँ बंद ही है मेरी आंखें।
खोलो आके न्यू वॉशिंग मशीन। मम्मी को तो निकल पड़ी, ये तो सच में न्यू है ना तुम्हारा बेटा? किसका है? मेरा बेटा है मेरा। क्या हो, कहीं आपने बैंक में डाका तो नहीं डाला? कहे तूने सच में बैंक तो नहीं लूटी? नहीं नहीं पापा नहीं। क्या बोल रहे हो शर्मिला? मेरी वजह से एक बहुत बड़े डील क्रैक हो गई, तो बॉस ने मुझे उसका 10% दिया। 10%? अरे उस 10% में इतना आया है, 100 मिलता तो क्या क्या आता। इसको तो जितना भी दो कम ही है। चलो चलो शुरू करते हैं वॉशिंग मशीन। ऐसे कैसे? सबसे पहले इसकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी हम इसको चालू करेंगे। सुन भाई, एकदम बराबर कह रही है, पूजा होनी ही चाहिए। मैं अभी बुलाती हूँ औरतों को। चल हम जाते हैं बाहर, ये औरतें करेंगी पूजा। सुमित्रा, अरे रुको जरा। शशी बहन, क्या हुआ शर्मिला बहन? जल्दी से हमारे घर पे आ जाइए। लगता है स्नेहा की दादी को। हाँ तो क्या हुआ स्नेहा की दादी? ये बंदरी, जिंदा हूँ मैं। टड़ा, न्यू वॉशिंग मशीन ली हमने। बाबू, अभी श्रेया के पापा आए ना, उनको 10% का बोनस मिला है, और 10% में उन्होंने ना ये हम सबको सरप्राइज एक रूम में बंद कर दिया था। जब वो आ रहे थे ना लेके, तो हम सबको रूम में बंद कर दिया, हमको कुछ देखने को भी नहीं मिला। मेरी भी आपके जैसी है। वो आपकी बेसी है? कितने के पड़ी या? पूरे 50,000 की। ऑटोमेटिक? हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक। ब्रांडेड नहीं होगी पर हमारे जैसे। चलो हो गया इसका ब्रांडेड। क्या ब्रांडेड? गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? मैंने बस कहा ब्रांडेड नहीं होगी। अबे ब्रांडेड लोगों के पास ब्रांडेड चीजें होती है, अनब्रांडेड लोगों के पास अनब्रांडेड चीजें होती है, बस इतना बोला मैंने। तो सच है वो है। ये तो एक ही है, अंदर एक और सरप्राइज है, आइए ना। अच्छा आजा आजा, देखो देखिए न्यू सोफा। वाह वाह, फाइनली ले लिया आपने सोफा सेट। कितने दिनों से मैं बोल रही थी सोफा लो लो। आते जाते बैठने का मौका नहीं मिलता, खड़े खड़े हाय हेलो। कैसे? मैंने तुमसे पूछा सुमित्रा कैसे है? अच्छा, पूरी जल गई है। ब्रांडेड नहीं होगा ना? पर ये ब्रांडेड, अरे कहीं का ब्रांडेड है तेरा? हाँ, क्या होता है ब्रांडेड तेरा, हमको भी दिखा। ये ब्रांडेड वो ब्रांडेड 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 ब्रांडेड। सुमा, अच्छा आइए ना, अब वॉशिंग मशीन की पूजा करते आइए। हाँ चलो चलो। सुमा, आपकी उम्र हो, आप सबसे उम्र वाली हो, आप पहले लीजिए। शशि बहन, वाह तू जा, तेरी फोटो निकालती हूँ वॉशिंग मशीन के साथ, जा जा। तुम्हारी फोटो की क्या जरूरत है? आप आरती उतरिए, पोज दे, दूसरा पोज दे, शादी से पहले शादी के बाद बच्चों के बाद। हाँ सुमित्रा, तुम लो आरती। सच में 50 की है क्या? हाँ 50 की है, ऊपर देखो ना यहाँ पे लिखा है प्राइस 50। लगती नहीं है, देख के छोटी है ना। चलो आ गए अब तुम्हारे घर में भी वॉशिंग मशीन। हमारे यहाँ पे पहले भी थी वॉशिंग मशीन, चल कहाँ रही थी? अभी चलने वाली आ गई। चल तो रही है ना? चलती है, बहुत अच्छी चलती है। अब सबसे पहले क्या दोगी इसमें? मन तो करता है इसको ही सबसे पहले बिठा के घर घर